दतिया मध्य प्रदेश के भांडर नगर से बिना बताए गायब हुए युवक युवतियों को पुलिस टीम ने नोएडा से दस्तयाब कर लिया है। 13 तारीख को भांडर के वार्ड क्रमांक 15 निवासी सिरबैया परिवार से दो युवती सहित एक नाबालिग लड़की और नाबालिग लड़का कुल 4 बच्चे बिना कुछ बताए घर से लापता हो गए थे। परिवारजनों द्वारा अपने स्तर पर जानकारी करने पर जब कोई खबर नहीं मिली तो भांडर थाने में 14 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। 15 तारीख को एसपी के निर्देशन पर एफआईआर दर्ज करते हुए दतिया एसपी अमन सिंह राठौर ने 5 टीमों का गठन कर बच्चों की पतारसी के लिए कार्रवाई तेज कर दी थी। वहीं एडिशनल एसपी कमल मौर्य के द्वारा बताया गया है कि आज बेचारों सकुशल नोएडा में साइबर टीम के द्वारा पकड़कर बैठाए गए हैं। एडिशनल एसपी के द्वारा बताया गया है कि उन्हें लाने के लिए भांडर से पार्टी को रवाना कर दिया गया है। आपको पता है कि परसों के दिन एक ही परिवार के 3 लड़कियां और एक लड़का जो है, इसमें एक 3 बच्चे नाबालिग थे और एक बच्ची एडल्ट थी, जो चले गए थे घर में छुट्टी छोड़ करके, क्योंकि बच्चों से संबंधित मामला था। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्कालीन मौके पर जाकर के परिजनों से चर्चा करी और एक टीम का गठन किया गया। लगातार जो है तकनीकी सहायता से और मुख्य सहायता से लगातार उसको गंभीरतापूर्वक लिया गया और आज हमारी टीम ने नोएडा में जाकर इन बच्चों को दस्तयाब किया है और अब हमारी टीम नोएडा से लेकर इनको भांडर के लिए रवाना हुई। क्या हासिल अब यही है कि बच्चे पढ़ना कुछ चाहते थे और कुछ पारिवारिक कारणों से वो उनको लगातार कमेंट करते थे कि तुम लोग कुछ पढ़ नहीं रहे हो, तुम आगे कुछ कैसे बढ़ोगे, तो उन्होंने यही कहा कि हम अब कुछ बनके ही नहीं आएंगे, इस सोच के साथ वो घर से चले गए थे। परंतु नाबालिग बच्चे थे और इस कारण से कोई विवाद वगैरह झगड़ा किसी से नहीं अभी तक तो ऐसा नहीं है। आप बच्चों को लेके आ रहे हैं कि बच्चे सभी सुरक्षित बच्चे सुरक्षित